हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम फिर से बात करने जा रहे हैं लवली इनू के कॉइन के बारे में। क्या हमें लवली इनू कॉइन के बारे में कुछ गुड अपडेट्स दिखाई दे रही हैं या उसका फ्यूचर क्या है, क्या अभी इसकी कंडीशन क्या चल रही है, कुछ नई पुरानी कोई न्यूज़ वगैरह आई है क्या, इसके बारे में कुछ और डिटेल्स वगैरह हैं, तो ये सारी चीज़ें मैं आज आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप लोगों ने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप लवली इनू के होल्डर हैं तो जल्दी जल्दी जाके सब्सक्राइब करें ताकि हम और लोगों के साथ ये पॉजिटिविटी शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। जैसे ही आप लाइक करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी, और अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर दें। और फीडबैक नहीं दे सकते तो कम से कम ये तो लिखिए, होल्ड इज गोल्ड। ओके, मैं इस कमेंट का वेट करूंगा। अब चलते हैं हमारे कॉइन की डिटेल्स के बारे में। ओके, थोड़ा हम ग्राफिक को देख लेते हैं। ओए होए होए, अगर ग्राफ देखें तो बहुत ही बुरा चल रहा है आजकल हमारा। देखो लास्ट 24 घंटों में तकरीबन -12.56 गया है, और लास्ट 7 डेज में तकरीबन 33.82% गया है। अभी इसकी करंट वैल्यू चल रही है 31.00000031। ओके, अब तो इसमें से हमें क्या देखने को मिलता है, अब देखो एक बात चीज़ है, देखो हाईएस्ट ये अपना गया है तकरीबन कितने का गया है, 51 का गया है। उसके बाद ये हमारा गया है कितने का, एक मिनट, 51 तक। और ये मतलब अभी रिसेंटली ये चल रहा है 51 तक, अभी 11 सितंबर को ये 51 का गया है। उसके बाद फिर एकदम से मार्केट डाउन आई है, फिर थोड़ा बहुत अप गया है, फिर इतना बड़ा क्रेश आया, देखो कहाँ तक पहुँची है, ऑलमोस्ट 28-27 तक पहुंची है मार्केट। अब फिर थोड़ा थोड़ा स्टेबल होके ये अभी 31 तक पहुंचा है। अब देखो इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये कि अभी इसकी लिक्विडिटी लॉक के हवाले से इसकी कुछ खबरें चल रही थी, जिसमें कुछ यूट्यूबर्स ने या कुछ ने भाई फेक न्यूज़ चला दी, भाई इनके ऑनर ने लिक्विडिटी लॉक कर दी है, अभी अपना सारा पैसा निकाल रहे हैं, तो इस वजह से ये थोड़ी बैड न्यूज़ आई, तो हर किसी ने अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया, तो इस वजह से सारे लोग इसको बेचने लग गए, तो इसको बेचने लग गए तो इसमें से इसकी प्राइस डाउन गई। ओके, अब यहाँ पे इसका मैं आपको एक न्यूज़ बताया, आई थिंक इसे आने वाले तकरीबन 15-20 दिनों में इनकी कुछ और एक्सचेंजेस पे लिस्टेड होने वाली है। अगर अभी की हम इस बात करें तकरीबन इसके हमें तकरीबन एक तो गुड न्यूज़ ये निकल गई थी भाई, 21,000 हमारे होल्डर्स हो चुके हैं, ये एक बहुत ही गुड न्यूज़ है। अब देख सकते हो यहाँ रिसेंटली 27 सेकंड अगो भी यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन हुई है, इस वॉलेट से लेके पैनकेक तक गई है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं पैनकेक के पास जा भी रही है, पैनकेक से वापस भी आ रही है। देखो यहाँ से देखो पैनकेक से वापस आके इस एड्रेस पे आई है, तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, कितना बड़ी अमाउंट जाती है, बड़ी अमाउंट वापस आती है, ये तो चक्कर इनका चलता रहता है। लेकिन ये हमारे पास एक गुड न्यूज़ है, क्योंकि अभी 21,000 हमारे होल्डर्स हो चुके हैं। अगर जैसे ही आने वाले वक्त में अभी इसकी और लिस्टिंग होने जा रही है, जैसे इसकी और लिस्टिंग होगी तो इसमें हमें और भी ज़्यादा पंप अप देखने को मिल सकता है। ओके, कुछ बैड न्यूज़ की वजह से थोड़ी मार्केट डाउन गई थी। अभी इसका थोड़ा ये भी चल रहा था हाइडेस के हवाले से, जो हाइडेस की जो प्री सेल चल रही थी, जो लवली इनू के 1 हाइडेस इज इक्वल टू 1 लवली इनू, तो इसका क्या था, इनके तकरीबन गुड न्यूज़ ये निकल के जो होल्डर थे वो बहुत ही सीरियस थे। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, इनका जो आई एल ओ था, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, देखो हाइडेस आई एल ओ इज नाउ क्लोज, प्री सेल थी वो क्लोज, तकरीबन इन्होंने कितना 4,000 तक, 4 लाख डॉलर तक इन्होंने अपना तकरीबन किया है, इसकी सेल हुई है तकरीबन वो भी कितने मिनट में, जस्ट इन 90 मिनट्स। यार इतने कम टाइम में इतनी बड़ी सेल, इतनी बड़ी अमाउंट की हुई है, वो भी हाइडेस, सारी बात है इसमें लवली इनू से ही इन्होंने परचेस किए होंगे, ये भी एक गुड न्यूज़ थी। इसका इट मीन कि हमारे होल्डर्स बहुत हमें सीरियस दिखाई दे रहे हैं, ये एक और ही गुड न्यूज़ है। तो फिलहाल के लिए बस यही एक दो न्यूज़ थी जो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर की जाए। अभी इनकी एक्सचेंज पे लिस्टिंग आने वाली है, अभी इनकी एक जो नेक्स्ट बर्निंग आने वाली है वो 21/9/2021 को आने वाली है, अभी 21 तारीख को इसकी नेक्स्ट बर्निंग आएगी, तो हो सकता है उसमें भी हमारे तौर पर इम्पैक्ट पड़े। आप सिर्फ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, और अपना फीडबैक जरूर दें, कम से कम ये तो लिखें होल्ड इज गोल्ड, पता तो चले कि मेरी प्ले लिस्ट में मेरी वीडियो देखने वालों में कितने होल्डर्स हैं लवली इनू कॉइन के। तो मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। आकर आप लोगों ने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया था, जल्दी जल्दी जाकर सब्सक्राइब का बटन दबाएं, साथ में बेल के आइकन को दबाएं ताकि आने वाली कोई वीडियो आप मिस ना कर सकें। पीस।